हाय गाइस, मैं हूँ जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है ब्लडी असासिन का पार्ट 10। सो इसीलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वैसे मैं बता दूँ कि इसके लगभग अब 3 एपिसोड्स करीब ही बचे हैं। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपलोड कर दूँ और तुम लोग उन्हें देखना मत भूलना। ओके, सो ठीक है, अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम लोग एक इविल मर्चेंट को देखते हैं जो कि लोगों के एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की वजह से अब काफ़ी अमीर हो चुका है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा लालची भी होता है और उसे लोगों को एक्सप्लॉइट करने में मज़ा आता है। तभी वहाँ पर चेल्सी आ जाती है और वो उसके एक मेड का भेस बदल कर आई होती है और वो उस मर्चेंट को तुरंत वहीं पर मार देती है, जिसके बाद कि एगर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस मर्चेंट को बचाने के लिए। पर वो देखते हैं कि वो मर्चेंट पहले से ही मर चुका है और उन्हें वहाँ पर चेल्सी और नाइट्रेट्स का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि चेल्सी ने खुद को बचाने के लिए उन कैट्स में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और वो उन कैट्स में मिल गई। और ये बात वापस आकर वो नाइट्रेट को बताती है और माइन फाइनली उसके स्किल्स को एडमायर करती है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि लियो ने मजाक में कहती है कि शायद एसडेथ हम पर इतनी बेरहम ना हो, जब उसे पता चले कि तात्सुमी हमारे साथ है। पर तभी वहाँ पर नजेंडा जाती है और वो उन्हें कहती है कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा और अगर तुम लोग एसडेथ के खिलाफ लड़ रहे हो तो कोशिश करना कि फुल स्ट्रेंथ के साथ ही लड़ो, जिसके बाद कि तासुम नजेंडा को उसकी एज पूछता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, और ये कहने के लिए वो नजेंडा से पिटता भी है। और जिसके बाद कि नजेंडा उन लोगों को बताती है कि अब उन्हें फर्स्ट स्टेप लेना है रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब अब टाइम आ चुका है मेजर स्टेप लेने का। और वो कहती है कि कैपिटल के ईस्ट में एक ऐसा रिलीजन है जिसका नाम है पाथ ऑफ पीस और साथ ही वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो लोग रिलीजन को बेसिस लेकर बहुत जल्दी कैपिटल आर्मी के अगेंस्ट जंग छेड़ने वाले हैं और इसीलिए उन्हें उस टाइम पर एक्शन लेना होगा और उन्हें ये करने के लिए बढ़ावा देना होगा। तासुमी कहता है कि अगर जंग हुई तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, इस पर कि वो लोग उसे बताते हैं कि जैसे नॉर्दर्न ट्राइब इसीलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वो लोग अकेले ही कैपिटल के अगेंस्ट लड़ने के लिए चल पड़े थे। और ये सेम चीज़ पाथ ऑफ पीस रिलीजन के साथ भी होगा, यानी कि वो लोग भी मारे जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग उसका फ़ायदा उठाकर कैपिटल को और मुश्किल में डाल सकते हैं। मतलब जब पाथ ऑफ पीस की आर्मी कैपिटल के खिलाफ जंग छेड़ेगी ठीक उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी भी वेस्ट से उन पर हमला कर देगी और वो ठीक यही चीज़ साउथ के डायरेक्शन से भी करेंगे, तो इससे ये होगा कि कैपिटल को एक ही टाइम पर तीनों डायरेक्शन को संभालना होगा और जब वो ऐसा करेंगे कैपिटल का मेन कासल डिफेंसलेस हो जाएगा और ठीक उसी टाइम का वो लोग फायदा उठाकर कैसल या फिर कहूँ प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करके उसे मार देंगे। और उन्हें बताती है कि उनका टारगेट ईस्ट में प्रेजेंट है और उसका नाम है ब्लक और वो उनके लॉर्ड को सर्व करता है, यानी कि कह सकते हैं जो कि उस रिलीजन ग्रुप का हेड है कि जिसे लोग भगवान जैसे ट्रीट करते हैं। पर ब्लॉक एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का भेजा हुआ एक स्पाई है जो कि रिलीजियस फाउंडर से उसकी पावर लेना चाहता है ताकि वो इस बात पर नज़र रख सके कि वो रिलीजियस ग्रुप कभी भी कैपिटल के अगेंस्ट ना जाए और वो उन्हें यानी कि उन फॉलोवर्स को ड्रग्स से एडिक्ट भी कर रहा है ताकि वो उसके फॉलोवर्स उसके अगेंस्ट ना जाए और उसका उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो, मतलब काइंड ऑफ वो आश्रम वेब सीरीज थी ना, हाँ बिल्कुल वैसा ही सीन है। और इसीलिए उन्हें पहले उसे मारना होगा और साथ ही उन्हें येगर्स को भी रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद कि वो लोग अपने प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद कि एसडेथ को उनकी टीम का एक मेंबर आकर इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने नाइट्रेट्स के कुछ मेंबर्स को देखा है और जिसके बाद कि एसडेथ अपने पूरे टीम के साथ उन पर अटैक करने के लिए चल देती है। और जब हम लोग नाइट्रेट्स की टीम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये उनका एक ट्रैप होता है ईगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और एसडेथ एक तरह से उनके प्लान को भाप लेती है और वो उनके टीम में से बुल्स वेव और कुरोमे को अकामे के डायरेक्शन में भेजती है और वो सिरियु को नजेंडा को ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो लोग इस बार उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद कि वो तीनों यानी कि बुल्स वेव और कुरोमे अकामे के डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक स्केयर क्रो दिखता है, पर ऐसा नहीं लगता कि इसे बनाने वाले के पास कुछ ज़्यादा ही टाइम था, मतलब इतना परफेक्ट स्केयर क्रो कौन बनाता है, मतलब ऐप्स हैं यार इसके। और जिसके बाद कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नाइट्रेट्स का ये ट्रैप होता है और माइन कुरोमे को असासिनेट करने की कोशिश करती है और कुरोमे उसके अटैक को डॉज कर लेती है। माइन को यकीन नहीं होता कि कोई इस तरह के अटैक को भी डॉज कर सकता है और तभी वो स्कैरक्रो सुसुरों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो स्कैरक्रो सुसुरों ही होता है। तभी सोचो इतना परफेक्ट कैसे।
और वो कुरोमे पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वेव उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। पर उस अटैक में इतनी पावर होती है कि वेव मीलों दूर तक उड़ जाता है। और तभी नाइट रेड्स की टीम वहां पर आ जाती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग उनके ट्रैप में फंस चुके हैं, और जिसके बाद के उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और कुरोमे अपने स्वॉर्ड यानी कि अपने इंपेरियल आर्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वो सारे के सारे कॉप्स निकल आते हैं जिन्हें कि वो कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो अपने इंपेरियल वेपन की हेल्प से किसी भी कॉप्स को कंट्रोल कर सकती है। और कॉप्स मतलब होता है मुर्दे, और इवन उसके पास एक बड़ा सा ड्रैगन भी होता है। और जिसके बाद की अकामे कुरोमे पर चार्ज करने के लिए बढ़ती है, पर उसका बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है, और वो भी एक्चुअल में एक कॉप्स ही होता है, यानी कि एक मुर्दा जो कि फाइटिंग में बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी ओर माइन के साथ एक और कॉप्स लड़ने लगती है और सुसुनो उस ड्रैगन को संभालता है। और दूसरी ओर तात्सुमी एक डेंजर बीस्ट और पता नहीं कुछ एक चीज़ के साथ तो एक ही टाइम पर लड़ रहा होता है। और दूसरी ओर अकामे बुल्स पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाती क्योंकि उसे भी एक कॉप्स प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और लियोने भी बिजी होती है एक कॉप से फाइटिंग में, और जिसके बाद के हम लोग देखते हैं कि नाइट रेड्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उन कॉप्सेस से फाइट करने में, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग उन्हें कितना मारे, वो लोग पहले से ही मरे हैं, तो इसीलिए उन लोगों को ख़त्म करना आसान नहीं है। और तभी नजेंडा भी फाइट को ज्वाइन करती है और वो लियोने की हेल्प करती है। तभी कुरोमे उस मोमेंट का फ़ायदा उठाकर वो लियोने का एक हाथ काट देती है, और लियोने उस पर काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ हो जाती है। पर नजेंडा लियोने को कहती है कि वो इस कॉप्स को संभाल लेगी और वो अकामे की हेल्प करे, जिसके बाद कि नजेंडा उस आदमी से लड़ने लगती है जो कि एक्चुअल में एक जनरल होता है, और साथ ही वो एक टाइम पर नजेंडा का दोस्त भी था। और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और नजेंडा उसके अटैक से उसके गर्दन को उड़ा देती है, पर फिर भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके बाद कि नजेंडा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ख़त्म करके ही मानती है। और दूसरी ओर सुसुनो उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है, पर तभी नजेंडा वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करो, मतलब कि सुसुनो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि सुसुनो जब भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है तो अपने मास्टर की लाइफ एनर्जी को ड्रेन करता है, और तीन बार इस ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने के बाद उसके मास्टर मर जाता है, मतलब मर जाएगा, और जिसके बाद कि वो उस ड्रैगन को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। और दूसरी ओर माइन उस शूटर को हरा देती है, पर तभी एक टोड उसे पकड़ लेता है और कुरोमे कहती है कि ये उसका एक कॉप्स में से एक है जो कि तुम्हें निगल लेगा और उसके स्टमक एसिड कुछ ही टाइम में तुम्हें मार देगा, और वो टोड उसे निगल लेता है यानी कि माइन को। और दूसरी ओर तात्सुमी को उन दोनों के साथ फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है, पर चेल्सी तभी उसकी थोड़ी हेल्प करती है, इसके बाद कि तात्सुमी उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और चेल्सी की हरकतों से पता चल रहा होता है कि शायद वो तात्सुमी को पसंद करने लगी है, जिसके बाद कि तात्सुमी कुरोमे के उस बॉडीगार्ड से फाइट करने लगता है, और तभी माइन उस टॉड को मारकर अंदर से बाहर निकलती है। और तभी वहां पर बॉस भी पहुंच जाती है और कुरोमे को उनसे अब फाइट करना ही होगा। और दूसरी ओर फाइनली लियोने और अकामे बॉल्स के बॉडीगार्ड को ख़त्म कर देते हैं और वो उसके वेपन्स को तोड़ देते हैं, जिसके बाद कि बॉल्स अपने उस वेपन के बैग को हवा में फेंक देता है और वो अपने ट्रिगर से उसे एक बॉम्ब की तरह फोड़ देता है, और उसकी चपेट में अकामे और लियोने दोनों आ जाते हैं। तो क्या वो लोग उस अटैक को सर्वाइव कर पाएंगे, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो भूलना मत। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी सपोर्ट मिलती है मेरे को या फिर चैनल को, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।